पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी संजय बसु ने बताया कि यहां अभी तक 248.9 करोड़ की नकदी और अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। ये जानकारी उन्होंने सोमवार को दी। इस संबंध में संजय बसु ने कहा कि अभी तक कुल जब्त 258.9 करोड़ रुपए की हुई है और इनमें नगद और कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसमें से 37.73 करोड़ रुपए नगद हैं, 9.5 करोड़ रुपए की शराब है और 114.44 करोड़ रुपए कीमत के नशीले पदार्थ हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान बीते शनिवार को संपन्न हुआ था। इस दौरान करीब 79.79% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। अभी बंगाल में 7 चरणों के मतदान और होने हैं, वहीं मतगणना 2 मई को की जानी है। कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के चुनाव वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में देसी बम और कई देसी आग्नेयास्त्र बरामद किए गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को नरेंद्रपुरम थाना क्षेत्र के काठीपोटा गांव में एक जलाशय के समीप 48 देसी बम जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि इन बमों को निष्क्रिय कर दिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है।